देखिए, निश्चित तौर से हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि सरकार के पास ना कोई दिशा है, ना कोई सोच है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और ना ही इस संक्रमण से लड़ने का जो है एक जज्बा जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए, सरकार के अंदर होना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल है। आज जिस तरीके से जो नए मामले शिमला के अंदर आए हैं, जो अभी नए कुछ ही दिन पहले उनके नए मंत्री बने, सरकार के पावर मिनिस्टर श्री सुखराम चौधरी जी, उनको जो है पॉजिटिव केस पाया गया, उनके पीएसओ परिवार को पॉजिटिव केस पाया गया और जिस तरीके से लापरवाही की तरीके से एक और वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, मगर खुद सरकार में होते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की उस पर कार्य करें। आज डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस सील हो गया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो शहर के अंदर सील हो गया है और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि 2.5 साल जब सरकार के रह गए हैं, सरकार का जो कोष है, खजाना है, वो पूरी तरीके से खाली है। इस संदर्भ में आप नए नए मंत्री प्रदेश के अंदर बना रहे हैं, 3 नए मंत्री आपने प्रदेश के अंदर बनाए, पूरे प्रदेश में सरकार के दम पर जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं, जिला कांगड़ा के अंदर रैलियां करवाई जा रही है, अलग अलग विधानसभा इलाकों में रैलियां करवाई जा रही है। एक और जो उन्हीं के वरिष्ठ नेता है जो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे, आज उनके अंदर पूरी तरीके से निराशा है और इनएक्सपीरियंस लोगों को जो है वो सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। मैं यही निवेदन सरकार से करना चाहूँगा कि एक और आप विपक्ष के ऊपर जो है प्रहार करते रहते हैं, उसके बजाय जो आज सरकार की स्थिति है, जो दुर्गति आज सरकार की ज़मीन स्तर पे हमको देखने को मिल रही है, आज जो मंत्री पद का एक्सपेंशन हुआ उसका केवल और केवल जो जश्न मनाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। आपने पीछे बसेस के फेयर को बढ़ाया, किराए को बढ़ाया, उसमें आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, जहाँ पूरा प्रदेश जो है आज इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। आज आपने एक्सपेंशन करी मंत्रियों की, उसमें जो फजूल खर्ची का एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो जश्न मनाया जा रहा है, रैलियां पूरे प्रदेश में करवाई जा रही है, तो मैं ये सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जब विपक्ष कोई कार्य करती है उस पर तो आप हम पे उंगलियां उठाते हैं, मगर खुद जब आप इस तरीके के कार्यों में जो है संलिप्त पाए जाते हैं तब जो है आपको राजनीति सूझती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वैसे भी जो विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहे थे वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। हमने काफ़ी बारी उस मुद्दे को जो है जनता के सामने उठाया कि ये सरकार इतिहास में केवल जो है फीते काटने वाली, जो है रिबन काटने वाली सरकार के नाम से इस सरकार को इतिहास में याद रखा जाएगा। मैं आज फिर से आप लोगों के माध्यम से ये ओपन चैलेंज जो है ये सरकार को देता हूँ कि एक हमको बड़ा प्रोजेक्ट आप बता दें जो इस सरकार के शुरुआती तौर में कंसीव हुआ और इस सरकार के टर्म के अंदर ही जो है उसका जो है शिलान्यास और उसका उद्घाटन इस वर्तमान कार्यकाल के अंदर होगा। एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, चाहे वो उनके इन्वेस्टर्स मीट की बात हो, चाहे वो जो मंदी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो, चाहे और जो उन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं, चाहे वो बाहर करी है, चाहे बजट सेशन में करी है, आज कोई भी ज़मीन स्तर पे उतरती हुई नज़र नहीं आ रही। पिछले कल मैं जो है टीवी चैनल में देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो मेडिकल कॉलेज यहाँ के तो बुरे हाल है ही है, मगर जो कांगड़ा के अंदर टांडा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो दुर्गति, वहाँ के जितने भी हमारे उपचार के लिए वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी हो रही है, जितने भी इनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो हिम केयर स्कीम है, चाहे और कोई मेडिकल स्कीम्स है,
उसमें कोई पैसा जो है डिपार्टमेंट द्वारा इन लोगों को नहीं दिया जा रहा। जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको जो है उनकी पूरी तरीके से उनकी अस्पताल में दुर्गति हो रही है, डॉक्टरों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक ओर आप कहते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, और दूसरी ओर ज़मीन स्तर पर आज हमको कोई कार्य जो है, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो शिक्षा के है, और प्राइमरीली जो हेल्थ का है, उस पर कोई कार्य हमको दिखता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ पर आप प्रधानमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो है केंद्र सरकार के संरक्षण में काम करना बंद करें। जो अगले विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में होंगे वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं, वो आदरणीय जयराम जी के नाम पे लड़े जाएंगे, और उस समय देखा जाएगा कि आपने कितना कार्य विकास का, कितनी घोषणाएं प्रदेश में करी, कितना आपने लोगों को शिखर के ओर हिमाचल के जूठे सपने दिखाए, और क्या परिस्थिति आज ज़मीन स्तर पे है, इसका जीता जागता उदाहरण अगले चुनावों में जो है वो जनता के सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा वो हमारी चिंता ना करे, हमारे विपक्ष जो है एकजुट है, मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप सरकार में हैं, आप सरकार के जो है मुखिया के रूप में प्रदेश की जनता की चिंता करें। 2.5 साल आपके जो है वो पूर्व सरकार के द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं उसके रिबन काटने में निकल गए, अगले 2.5 साल आपके जो है कोविड के नाम पे प्रदेश में कट जाएंगे। प्रदेश के जो बागवान हैं वो आज त्रस्त है, आज भी लेबरों की कमी, आज भी हमने कई बागवानों से जो है जुबल कोटखाई में रोडू में आज सुबह ही बात करी, आज भी वहाँ पे लेबर की कमी आ रही है। आज भी हमारे जो बागवान हैं, किसान हैं, उनको जो समर्थन मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया है। आज जो इतने भी हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है प्रदेश में, वो पूरी तरीके से उसका जो ढांचा है वो जो है बैठ चुका है, चरमरा चुका है। कोई भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले जो है आज वो रो रहे हैं, उनको उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें। कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता हैं जो अपने को और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आप प्रदेश की चिंता करें, प्रदेश को के लिए जो आपने वादे किए हुए हैं, जो आपकी सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं, उनको टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। दैट विल बी अ बिग स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश।